गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम दोबारा से वर्ड ऑफ द डे सीरीज पे काम कर रहे हैं, ठीक है? सो यस, बीच में मेरा लैपटॉप खराब हो गया था और अब मेरा कैमरा खराब हो गया है। सो हाँ, लाइफ बहुत अच्छी जा रही है। पहले क्वारंटीन है, सिचुएशन खराब है और अब मेरी चीजें भी खराब हो रही हैं, तो आप मेरे लिए दुआ फरमाएं, ओके? So today we are actually learning a new word, which is aardvark. All right, so let's get started. Aardvark ek noun hai, all right? An African mammal with a long nose and large ears that lives underground and eats insects. Ye ek mammal hai, yani एनिमल है, अफ्रीका में रहता है। इसकी नाक जो है ना, लंबी है। अच्छा, ये पिक्चर देख रहे हैं ना, ये आर्डवाक की ही है, ठीक है? और अंडरग्राउंड में रहता है, यानी अंडरग्राउंड क्या होता है, जमीन के अंदर टनल्स, और अंडरग्राउंड में रहता है और कीड़े मकोड़े खाता है, चूंटियां वगैरह, ऑलराइट, इंसेक्ट्स। और इसको उर्दू में कहा जाता है भट सुअर। सुअर यानी पिग, यानी क्योंकि उसकी नोज ऐसी है तो इसलिए आई थिंक इसको ये नाम दिया गया होगा। ये इन्फॉर्मेशन मुझे भी नहीं पता थी, पर मैंने रिसर्च की क्योंकि अब से मैं एक डिक्शनरी फॉलो करनी हूँ ताकि हम सही सही और अच्छे अच्छे न्यू वर्ड्स लाते रहें और इन्जॉय करते रहें इस लर्निंग को। ऑलराइट, सो सेंटेंस, द लॉन्ग ईयर्ड आर्डवॉक स्लेप्ट ऑल डे एंड एट इंसेक्ट्स ऑल नाइट। क्या है, लंबे कानों वाला आर्डवॉक पूरा दिन सोता रहा और पूरी रात कीड़े मकोड़े खाता रहा। अच्छा, अब ये क्या करें कि जब आप मेरी वीडियो देखते हैं तो उसके कमेंट्स में अपने सेंटेंस डाला करें, लिख दिया करें, छोटा बड़ा, वट एवर सेंटेंस इट इज, रॉन्ग और राइट, इट डजंट मैटर। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, उसके साथ साथ और लोग जो ये वीडियोस देख रहे हैं उनको भी ज़्यादा सेंटेंसेस मिलेंगे, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उन सेंटेंसेस को देखूं, और अगर कोई मिस्टेक लगती है तो आई विल ट्राई टू टेल यू। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप आपको अच्छी लगी। आज थोड़ी लंबी हो गई। मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप इफ यू लाइक्ड इट, डू सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड आई विल See you guys in my next video. Bye guys.